कुमाऊं विश्वविद्यालय के सोबन सिंह जीना परिसर अल्मोड़ा में छात्र संघ चुनाव को लेकर कॉलेज प्रशासन पूरी तरह से तैयार होता नहीं दिख रहा है। छात्र संघ चुनाव में नामांकन के दौरान छात्रों के द्वारा हाईकोर्ट के आदेशों और लिंग दो कमेटी के नियमों की धज्जियां कॉलेज प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के सामने ही उड़ाई गई। लेकिन किसी ने भी छात्रों द्वारा लिंग दो कमेटी का उल्लंघन करने वालों को रोकने की जहमत तक नहीं उठाई और किसी प्रत्याशी छात्र के खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं की गई। प्रशासन अपने सामने हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ते हुए देख रहा था। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में शनिवार को छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत विभिन्न पदों के लिए कुल 19 प्रत्याशियों ने नामांकन करवाया है। चुनाव के लिए सभी प्रत्याशी जी जान से जुटे हुए हैं। चुनाव को लेकर जिस तरीके से यहां पर बैनर पोस्टरों से कॉलेज समेत शहर की सड़कें पटी पड़ी हैं, उससे साफ तौर पर साबित होता है कि यहां लिंग दो कमेटी के खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। कमेटी ने चुनाव में अधिकतम खर्च सीमा 10,000 तय की थी और हाथ से लिखे गए बैनर पोस्टर लगाने का प्रावधान भी किया था, लेकिन यहां पर नजारा अलग ही नजर आता है। लिंग दो कमेटी के लिए हमने छात्रों को लिखित भी दिया है, उनसे ले भी रखा है कि वो लिंग दो कमेटी का अगर पालन नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही होगी, अगर कोई ऐसी बात आती है तो हम उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। संवाद 365 के लिए अल्मोड़ा से अमित उप्रेती की रिपोर्ट।